बैठे लोगों के लिए विरोधी पत्रकारिता के लिए मशहूर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार आए दिन सत्ता हो या प्रशासन सभी पर नए नए आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन वहीं कई लोगों का कहना है कि रवीश कुमार जो आरोप लगाते हैं उससे साफ लगता है कि रवीश कुमार मार्केटिंग करते हैं। रवीश कुमार अपने स्तर पर पूरी ईमानदारी, निष्ठा, विनम्रता, मुखरता के साथ देश हित के मुद्दे की आवाज उठाते हैं और अपने पेशागत दायित्व को निभा रहे हैं, चाहे अखबार हो, टीवी हो या फिर वेब मीडिया हो। इसी के चलते रवीश कुमार अपने दायित्व को निभाने में लगे रहते हैं, जिसके चलते आए दिन उन्हें धमकियां मिलती हैं, गालियां मिलती हैं और सोशल मीडिया पर आए दिन लोग उन्हें प्रताड़ित करते हैं। वही रवीश कुमार इन सभी चीजों को जगजाहिर करते हुए आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन इन्हीं सब के चलते रवीश के विरोधियों का कहना है कि रवीश कुमार इन सब से मार्केटिंग करते हैं। रवीश कुमार हर रोज टेलीविजन पर सरकार के विरोध में अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं और यही कारण है कि उग्र हिंदुत्व के समर्थकों के निशाने पर आ गए हैं। रवीश कुमार एक लोकप्रिय एंकर हैं, वो बीजेपी विरोधी नहीं है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि रवीश मोदी विरोधी अधिक लगते हैं। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।